रक्तदान शिविर आयोजन शिलीगुड़ी सांगठनिक जिला युव मोर्चार पक्ष के सात नम्बर मंडले उपस्थित जलपाइगुड़ी सांसद श्री जयंत राय महाशय मंचे उपविष्ट जिला नेतृत्व सकल के अनुरोध करब भारत मायर चरणे पुष्पार्पण मध्य दिए प्रदीप प्रज्वलन मध्य दिए हमारे रक्तदान शिविर शुभारम्भ कर উত্তরবঙ্গবাসী হয়ে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে সর্বোচ্চ আসনে পার্টির জায়গা দিয়েছে যেটা অন্য কোনো পার্টিতে দেখা যায় আমাদের কাছে বড় গর্বের ব্যাপার উত্তর বিশেষ করে আমি তো একদম আবেগে আকৃষ্ট হয়ে গেছি আমার বলার ভাষা নেই যে উত্তরবঙ্গ থেকে একজনকে টপ পোস্টে একটা পার্টির ভারতীয় জনতা পার্টির মতো একটা বড় পার্টি মানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি তার একটা রাজ্যের প্রধান করা হল একটা প্রশ্ন হচ্ছে বারবার বিজেপি সাংসদরা দেখুন তাকে তো সভাপতি করা হয়েছে শুধু উত্তরবঙ্গের জন্য না ওনাকে সভাপতি করা হয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য সুতরাং এই কোশ্চেনটা এই ক্ষেত্রে বোধ হয় প্রযোজ্য হবে না কারণ শুধু উত্তরবঙ্গের জন্য ওনাকে করা হয়নি গোটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য করা হয়েছে শুধু তাই না ওনাকে এমন একটা জায়গা দেওয়া হলো যাতে পশ্চিমবঙ্গেরও উনি সবার মাথা হলেন বিজেপি দেখুন 17 সেপ্টেম্বর থেকে 7ই অক্টোবর এই যে 20 দিনের পিরিয়ডটা তার মধ্যে 17 অক্টোবর মোদিজির জন্মদিন এবং 7 অক্টোবর 17ই সেপ্টেম্বর হচ্ছে মোদিজির জন্মদিন এবং 7ই অক্টোবর ওনার মোদিজির মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকারের প্রধান হিসেবে 20 বছর পিরিয়ডটা কভার হচ্ছে হতে যাচ্ছে এই 20 দিন ব্যাপী আমরা সেই 20 বছরের যিনি যা কাজ করেছেন যেভাবে দেশের জন্য সার্ভ করেছেন তাকে অনার দিয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যরা এই 20 দিনকে সারা ভারতবর্ষের সেবা এবং সমর্পণ অভিযান হিসেবে পালন করছে भारत माता की जय।
आप सभी को नमस्कार। फिर विस्तार जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 वर्ष का कार्यकाल जनता के आशीर्वाद से इस आगामी 7 अक्टूबर 2021 को पूरा होने जा रहा है। 14 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे और 7 वर्ष देश के सबसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे किसी भी लोकतंत्र में राजनेता के रूप में ये अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। ये और कुछ नहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता के लगातार मिलते हुए आशीर्वाद और प्रेम का ही परिचायक है। इस वर्ष 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस और 7 अक्टूबर को उनके जन नेता के रूप में 20 वर्ष का लगातार कार्यकाल पूरे होने के सुखद संयोग को भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में सेवा और समर्पण अभियान के माध्यम से मनाने का निर्णय किया है। इस सेवा और समर्पण अभियान में जो कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन की अवधि में चलने वाला है के दौरान विविध सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस अभियान के माध्यम से सेवा के महत्व और समाज और राष्ट्र में समर्पण के भाव को जन जागृत करने का उद्देश्य रखती है। आज का यहाँ जो कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के सहयोग से ब्लड डोनेशन का रखा गया है वे इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। मैं हमेशा ये मानती हूँ मेरा जब से बंगाल प्रवास तय हुआ है और मेरा जहाँ भी बंगाल में आना हुआ है मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहती हूँ कि आपकी मेहनत आपका परिश्रम और आपका संघर्ष आज आप बंगाल में जब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कहते हैं तो यकीन मानिए आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि आप राष्ट्रभक्त हैं और आप ईमानदार हैं।
ये जो धरोहर आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाई है ये आपके पास है। चुनाव के बाद हमारा कार्यकर्ता कुछ थका जरूर है, लेकिन ना हारा है और ना टूटा है। हम इसी उत्साह और इसी ऊर्जा के साथ पार्टी के सेवा गतिविधियों को और अभी सेवा और समर्पण अभियान के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं और सेवा गतिविधियों को समाज के आखिरी स्तर पे खड़े व्यक्ति तक ले जाने में कामयाब रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं माननीय हमारे साथ आपके माननीय सांसद डॉक्टर जयंत रॉय जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की यहाँ की टीम को पग पग पर प्राप्त रहा है, उनका आशीर्वाद और सहयोग। और हमने उनको जब भी जहाँ भी बुलाया उनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त रहा है। मैं यहाँ की भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम को भी बधाई देना चाहूंगी इस सफल कार्यक्रम के लिए, और ऐसा उम्मीद करूंगी कि आगे के इस अभियान के दौरान भी वो ऐसे अनेक सफल कार्यक्रम करें और भारतीय जनता पार्टी को समाज के आखिरी छोर पे खड़े व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्य को लेकर जाएं। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद।